लोग मुझसे कह रहे हैं मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, क्या सऊदी नवेसी हम अपने घर में कैसा बैठे रहेंगे, हम कैसे घर में रहेंगे, हम तो दौड़ने वाले लोग हैं, हम तो गाड़ी में जाने वाले लोग हैं, हम तो मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोग हैं, हम तो रातों में फुला जगह पर बैठकर खाने खाने वाले लोग हैं, हम तो जिंदगी में इसकी ऐश लूटने वाले लोग हैं। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, क्या कभी आपने सोचा कि रोहिंग्या के लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? सिर्फ 10-12 दिन के लिए हुकूमत आपसे कह रही है कि अपने घर में रहिए, लाखों रोहिंग्या लोग अपने घर से, अपने मुल्क से उनकी जड़ें कट चुकी हैं, वो रेफ्यूजी कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं, गंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, बारिश में भीगते हैं, सर्दी में अकड़ते हैं, धूप में परेशान होते हैं। सोचिए, मौका आपको मिल रहा है, हमको मिल रहा है कि उन रोहिंग्याओं के बारे में सोचिए, उन सीरिया के रेफ्यूजीज के बारे में सोचिए कि जो आज इनके पास कोई मुल्क नहीं है रहने के लिए। आप सोचिए जिंजियांग के उन लोगों को जिनको कैंपों में डालकर क्या क्या जुल्म उन पर नहीं किया गया। ये वक्त इंट्रोस्पेक्शन का है, और यकीनन जब आप ये चीजें सोचेंगे, उन फलस्तीनियों के बारे में सोचिए जिन जो गाजा और वेस्ट बैंक में एक ओपन जेल उनके लिए बना दी गई है, आज आप और हम 10-12 दिन के लिए परेशान हैं। मेरे भाई, मेरी माँ और बहनों, 60 साल से वो फलस्तीनी लोग परेशान हैं, और हमको आपको सिर्फ 11-12 दिन अपने घर में रहना है। दुआ करिए अल्लाह से,